वहीं लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। कोरोना के भीषण संकट से जूझती दिल्ली में केंद्र सरकार की अधिसूचना से सियासी टकराव बढ़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी को ही सरकार का दर्जा दिया है। ये अधिसूचना जीएनसीडी एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी की गई है। यह अधिसूचना कल ही जारी की गई है। कमलजीत संधु हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस अधिसूचना में, क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके के अधिकार अब एलजी को दे दिए गए हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डी फैक्टो पावर्स जो है वो एलजी को दी जा रही है। सेंटर ने आज जो नोटिफिकेशन किया है उसमें एलजी गवर्नमेंट जो है उनको गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है जीएनसीडी एक्ट के तहत। तो इसे आपको बता दें, जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, ऐसा कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर से पावर हटके सीधा एलजी के पास आ जाती है। खास तौर पे जब एक एपिडेमिक चल रहा हो, जब कोरोना समय काल चल रहा हो, उस समय जहां पे केंद्र और सरकार के बीच में जिस तरह से खींचातनी है और जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है और केजरीवाल सरकार पर सारा टीका फोड़ा जा रहा है, इसी बीच में एलजी को अगर पूरी पावर्स दी जाती हैं तो काफी हद तक जो डिसेंट्रलाइजेशन है या जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सीएम के, और आपको मालूम है कि दिल्ली में क्योंकि एक यूटी है, इसे एक हाफ स्टेट माना जाता है, नेशनल कैपिटल भी है। इस तहत पे हमें देखना होगा कि केजरीवाल सरकार किस तरह से कर रही है। वो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की चाल है और वो एक वीक सरकार बनाना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार फुल स्टेटहुड की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।